नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल रेनबो ब्लॉगिफाई पे। दोस्तों, वक्त बुरा हो सकता है, इंसान नहीं। हालात बुरे हो सकते हैं पर मनुष्य नहीं। दोस्तों, इंसान को मजबूर वक्त करता है, वक्त के आगे बड़े से बड़ा इंसान भी मजबूर हो जाता है। स्वयं ईश्वर भी वक्त के आगे मजबूर हो जाता है, जिसे आप देख सकते हैं इतिहास में। रामचंद्र जी को भी वनवास काटना पड़ा, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खराब हो गया। वक्त अप डाउन होता रहता है, वक्त कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा। वक्त ही आपकी कठोर से कठोर परीक्षा लेता है, और वक्त में ही पता चलता है कि मनुष्य के अंदर कितना धैर्य है, कितना धैर्यवान है और कितना सब्र है उसके अंदर। और वक्त ही सही में हमारी असली परीक्षा लेता है, या हमारी सही में असली हमारे अंदर जितना भी आत्मविश्वास है या जितना भी हुनर है उसको बाहर लाने के लिए वक्त ये परिवर्तन करके हमें परखता है कि इस बंदे में कितना दम है, या इस बंदे के अंदर अगर इसको ज़रा सा भी डगमग कर दो तो क्या ये टूट तो नहीं जाएगा। दोस्तों, वक्त की मार सबको पड़ती है, क्योंकि वक्त सदैव कभी किसी का एक सा नहीं रहता। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना गरीब आदमी हो, वक्त करवट जरूर लेता है। पर जब वक्त करवट जरूर लेता है, तब आपका मालूम पड़ता है कि जो लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास होता है, उन्हें वक्त बुरे से बुरे वक्त दिखाता है तब भी उनके हौसलों को टिका नहीं पाता। और जिनके हौसलों में दम नहीं होता वो वक्त की मार से ख़त्म ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमेशा हमें सदैव अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, सदैव हमें एक सा रहना चाहिए, और हमें हर एक वक्त को हंसी खुशी कट के काटना चाहिए। अच्छे वक्त में हमें ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए और बुरे वक्त में हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है सदैव एक सा नहीं रहता। जैसे अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा की रात आती है, रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त और अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त। ये तो एक जीवन का चक्र है, इससे तो कोई वंचित नहीं रह सकता। हमें अपने ऊपर संयम रख के, हमें अपने हुनर पे, अपनी योग्यता पे विश्वास करके उस चीज़ से निकलना होता है जो हमें बड़ी सी बड़ी कठिनाई में भी तोड़ने की चेष्टा करता है, जो हमारी पल पल पग पग पे हमारी परीक्षा लेता है, जो ये जानना चाहता है कि इस बंदे को हम कितना भी तोड़ें क्या ये बंदा सच में टूटेगा, क्या ये बंदा मोतियों की माला की तरह इसके मोती पल 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 बिखर जाएंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को कठोरता के साथ, अपने संयम और धैर्य के साथ वक्त कितना भी कठोर परिश्रम ले, कितनी भी परीक्षा ले, आपको सदैव अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जो भी आपने एक उचित और सही मार्ग रखा है उस पे आप निरंतर आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि सफलता का आनंद भी बगैर कठिन परिश्रम और कठिनाइयों के अलावा नहीं आता। क्योंकि इन सब से जब हम गुजरते हैं तभी हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आप सही दिशा की ओर चल रहे हैं, क्योंकि सही दिशा की ओर बढ़ेंगे तो जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों के बाद ही आपको सफलता का आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमेशा गलत रास्ता मत अपनाइएगा, क्योंकि गलत रास्ते में परेशानियाँ नहीं होती हैं, आसान लगता है, सक्सेस भी लगती है, पर वह क्षीण समय के लिए होती है। और कठिन रास्ता में समस्या अधिक आएंगी, पर एक बार सफल हो गए तो वो आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। डिसीजन आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि एक तरफ गलत रास्ता है जो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, और एक तरफ आपकी मेहनत, आपके खून पसीने और आपकी रात दिन के परिश्रम से जो सफलता मिलती है उसका आनंद आपको लेना है। तो दोस्तों, बुरे वक्त में कभी घबराइएगा मत, और अच्छे वक्त में ज़्यादा खुश मत होइएगा। यही एक जीवन का सिद्धांत है, और यही जीवन हमें सिखाता है, और यही ईश्वर ने भी हमें सिखाया है, और यही रामचंद्र जी ने भी हमें सिखाया है कि हमें बुरे वक्त में भी अपने ऊपर विश्वास रख के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदैव धैर्य धारण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी माताओं बहनों दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।